247 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में डकैती की योजना बनाते हुए 8 आरोपियों को राजनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। छतरपुर जिले के राजनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 7/8/2021 को ग्राम इमलिया में हनुमान जी के मंदिर के पीछे कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे थे, तभी थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से बंदूक, कट्टा, तलवार, चाकू एवं कारतूस जब्त किए। आरोपियों से पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने ग्राम खजुआ में दीपेंद्र पटेल के घर पर रात्रि में चोरी की। वहां से 2 मोबाइल, 1 सोने का लॉकेट कीमत 5,000, पूछताछ करने पर 6 एंड्रॉइड मोबाइल एवं 1 कीपैड मोबाइल, 250 ग्राम चांदी कीमत करीब 20,000 का माल भी बरामद किया। आरोपियों के पास से 1 12 बोर की बंदूक, 1 315 बोर की बंदूक, 1 315 बोर का कट्टा, 315 बोर के 10 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 10 आवाजी कारतूस, 12 बोर के 3 खाली कारतूस, 2 खाली कारतूस, 315 बोर के 2 धारदार चाकू, 1 धारदार तलवार, 1 बेसबॉल का डंडा, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 कीपैड मोबाइल फोन, 1 सोने का लॉकेट, वजन 2 ग्राम, 250 ग्राम चांदी, करीब 30,000 का माल पुलिस ने जब्त किया है। सामान था जो अलग अलग जगहों पे धाम में चोरी हुआ था, उनको भी रिकवर किया।